हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे इकोनॉमिक इफिशेंसी एंड एजवर्थ बॉक्स की। एजवर्थ बॉक्स को कैसे फाइंड करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं और उस एजवर्थ बॉक्स के अंदर हम इकोनॉमिक इफिशेंसी को कैसे फाइंड करेंगे। हम फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एंड मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर। उसी कंटेंट में हम आपको पढ़ाते हैं कि जब हम इकोनॉमिक इफिशेंसी की बात करते हैं, और हमने बताया कि पेरेटो ऑप्टिमलिटी की थ्री कंडीशन आपको पढ़ा चुका हूं। वो थ्री कंडीशन क्या थी? इकोनॉमिक इफिशेंसी, जिसमें कंज्यूमर इफिशेंसी, प्रोड्यूसर इफिशेंसी एंड इकोनॉमिक इफिशेंसी होती है। उन तीनों इफिशेंसी को हम एक साथ दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि हम अलग अलग ग्राफ में दिखाएंगे। हम एजवर्थ बॉक्स में अभी आपको कंजप्शन की इफिशेंसी दिखाऊंगा और पेरेटो ने ऑप्टिमलिटी, पेरेटो कंडीशन कैसे फुलफिल होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लर्न करते हैं। सबसे पहली बात आपको समझा देना चाहता हूँ, इकोनॉमिक इफिशेंसी क्या होती है। इकोनॉमिक इफिशेंसी हम पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो देख लेना। इकोनॉमिक इफिशेंसी में बहुत सारी कंडीशन होती है, उसमें एक कंडीशन है जर्नल इक्विलिब्रियम एक्सचेंज की। जर्नल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसके लिए आपको कंडीशन बनाता हूँ कि अगर हमारे पास टू कस्टमर हैं, टू कंज्यूमर हैं, मान के चलो एक कंज्यूमर एक है और एक कंज्यूमर बी है। अगर दो कंज्यूमर हैं तो दोनों ही एक्स वाई गुड्स का कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही एक्स वाई का गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि दोनों की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और जो बजट लाइन का जो इक्विलिब्रियम है, इक्वल होना चाहिए। यही कंज्यूमर की, यही एक्सचेंज इफिशेंसी है। जैसे हमने लिख रखा, देख लेंगे फ्रेंड्स, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम एम आर एस एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान के चलो फ्रेंड्स, ये चाहे हमारा एक कस्टमर हो, ए व्यक्ति हो, और चाहे एक बी व्यक्ति हो, दोनों का एम आर एस जो है वो इक्वल होना चाहिए। दोनों का बजट लाइन की, स्लोप ऑफ बजट लाइन, चाहे ए पर्सन हो या चाहे बी पर्सन हो। यानी कि सिंपल सी बात है फ्रेंड कि इफ एग्जिस्ट टू कंज्यूमर ए एंड बी है, तो दोनों की जो एफिशिएंसी है, दोनों का जो इक्विलिब्रियम है, मार्जिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, यानी कि एक कस्टमर एक कंज्यूमर एक्स और वाई को कंज्यूम कर रहा है, दूसरा कस्टमर भी एक्स और वाई को कंज्यूम कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का और इसका जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, दोनों का इक्वल होना चाहिए। और जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो इक्वल टू होता है बजट लाइन के। ठीक है, तो यानी कि दोनों की बजट लाइन एक होनी चाहिए स्लोप, और दोनों का इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एक होना चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो फ्रेंड इसी कंडीशन को बोलते हैं हम जनरल इक्विलिब्रियम इन ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है? अब आप बात कर रहे हैं फ्रेंड एक्सचेंज की, क्या बात हो रही है यहाँ पर? एक्सचेंज की बात हमने ये बताया था फ्रेंड्स कि हमारी इकोनॉमी में ये मान चलो एक्स गुड्स है, ये वाई गुड्स है। ठीक है, अच्छा, तो एक्स वाई प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना एक्स वाई प्रोड्यूस हो रहा है उसको दो लोगों में डिवाइड कर दिया। अगर ए पॉइंट है फ्रेंड, तो ए से बी पॉइंट पे आएंगे तो एलोकेशन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर एक कस्टमर दो कस्टमर हैं, दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल है, दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। इसी को हमें दिखाना है अलग अलग तरीके से, एजवर्थ बॉक्स में दिखाऊंगा फ्रेंड। हमने देखो अब इस चीज़ को एजवर्थ बॉक्स में दिखाना है। हम लिखते हैं एजवर्थ बॉक्स क्या शो करता है फ्रेंड। एजवर्थ बॉक्स द एक्सचेंज ऑफ बिटवीन टू कंज्यूमर ए एंड बी, यानी कि हम इसे बोलेंगे कि जो एजवर्थ बॉक्स है वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स का कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, एजम्पशंस लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आप एक एजम्पशंस लीजिए फ्रेंड। हमारी एजम्पशंस है कि मान चलो टू कस्टमर हैं, ए और बी दो कंज्यूमर हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों एक्स वाई को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहे हैं कि जो टोटल गुड्स का प्रोडक्शन है वो फिक्स है। क्या है वो? फिक्स है। मैंने माना कि एक्स का प्रोडक्शन है, मान चलो हमने ले लिया कि एक्स का प्रोडक्शन है 10 है और वाई का प्रोडक्शन 20 है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एजवर्थ बॉक्स में बताता हूँ फ्रेंड। पहले हम समझा देते हैं एजवर्थ बॉक्स का डायग्राम क्यों ऐसा बना हुआ है। देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये y है, ये x है, तो हम इसको x लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं। लिखते हैं
अच्छा, तो अगर हमारा ए कस्टमर है जिसे हम ओ ए लिया हुआ है, ये ए कस्टमर है, ओके, यानी कि हम जब ऐसे बनाते थे फ्रेंड्स, याद है आपको, हम जब ऐसे बनाएंगे, यक्स गुड्स यहाँ लेंगे, वाई लेंगे, तो हमने कुछ यक्स यहाँ लिया, वाई यहाँ लिया, लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, पलट देंगे, तो यक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर, वाई इधर, यानी कि हम अगर इसको ऐसे कर दें तो वाई यहाँ जाएगा और यक्स यहाँ जाएगा। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल सा है कि अगर हमने ए कस्टमर को यहाँ लिया हुआ है तो सेम गुड्स के लिए बी कस्टमर को हमने यहाँ ले लिया। अब बी का देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम प्रोडक्शन मैंने माना कि यक्स का 10 हो रहा है, यक्स का 10 हो रहा है, ठीक है, तो ये यक्स इज इक्वल टू ये यक्स, यानी कि ये भी एक्स लाइन है, ये भी एक्स लाइन है, ठीक है, अच्छा, और ये हमने इसको वाई माना है, तो वाई पर मैक्सिमम का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 20 का, और इधर मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा फ्रेंड्स, 20 का, तो 20 इधर हुआ, 20 इधर हुआ, लेकिन यही चीज़ ये वाई है और ये भी वाई है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चलेगा, इसको पढ़ दीजिए, क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये दो सिचुएशन है, अब देखो अगर 2, 4, 6, 8, 10 है तो नो डाउट जब इसको पलट देंगे तो 2 वहाँ जाएगा, ठीक है, 3, 4, 5 तो ये इन्वर्स हो जाजाएगा, ऐसे अगर हमें 6, 4, 6, 8, 9, 16 है तो हम क्या करेंगे, 4, 6, 8, 16 इधर जाएगा, तो यानी कि इधर इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स, इधर क्या होगा, यक्स के लिए ए कस्टमर के लिए वाई इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर बी कस्टमर के लिए वाई इधर इंक्रीज होगा, ठीक है, ए कस्टमर के लिए यक्स इधर इंक्रीज हो रहा है, तो बी कस्टमर के लिए यक्स क्या होगा, इधर को इंक्रीज होगा, क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एग्जांपल लिया फ्रेंड कि विदाउट ट्रेड, अभी दोनों में कोई ट्रेड नहीं है, मान के चलो ए कस्टमर है वो 8x का कंज्यूम कर रहा है और 8y का कंज्यूम कर रहा है, मैंने एग्जांपल में लिया कि एक पर्सन है, ये है विदाउट ट्रेड एक आदमी 8x ले रहा है, यानी कि कितना हुआ, ये 8x ले रहा है और 8y का ले रहा है, तो एक कस्टमर 8x 8y ले रहा है, और इक्विलिब्रियम कहाँ पर फ्रेंड हो रहा है, यहाँ पर है, यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा फ्रेंड, हमारा ऐसा बना गया, ठीक है, कैसे बनेगा, आर बनेगा, यानी कि हम मान चलो ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, ये ग्राफ आपको बन गया, ये ऐसे कितना बन गया, ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, लेकिन किसका हुआ फ्रेंड्स, ये एक कस्टमर का हुआ, किसका हुआ, एक कस्टमर का, ठीक है, बी का देखो, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन मैक्सिमम 10 का है और मैक्सिमम 20 का है, तो अगर एक कस्टमर ने, एक कंज्यूमर 8 क्वांटिटी परचेज कर लिया वाई की, तो कितनी क्वांटिटी बची फ्रेंड्स, 2 क्वांटिटी बची, अच्छा, अगर यक्स की वो 8 खरीद लेगा तो यक्स की कितनी क्वांटिटी बचेगी, 2 क्वांटिटी, तो यानी कि अब इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर जो बी कस्टमर है, बी कंज्यूमर है, वो 2x प्लस 2y कंज्यूम करेगा, 2x प्लस 2y, कैसे, क्योंकि ये 2 ले रहा है और ये 12y लेगा, क्यों, y की 12 लेगा, तो यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स, इधर की तरफ मुंह जाएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इसे बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व बी का, तो बी का मुंह इधर की तरफ है, क्यों, क्योंकि वो 2 ले रहा है, किसका, यक्स की 2 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, वाई की कितनी ले रहा है, 12 क्वांटिटी, तो ये आर पॉइंट दोनों के लिए इक्विलिब्रियम है, क्लियर हुआ, यानी कि वो विदाउट ट्रेड आपस में दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहाँ है और इसका सेटिस्फेक्शन यहाँ है, ये दोनों की इंडिफरेंस कर्व है, अब दोनों की बजट लाइन बीच में जाएगी, अभी हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है, अब बोलता हूँ फ्रेंड्स, मान के चलो विद ट्रेड की बात करते हैं, जब ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं तो ट्रेड के बाद जब आपस में ट्रेड होता है, एक दूसरे की एक्सचेंज करते हैं, तो मैंने एज्यूम किया कि वो 6x ए का हो जाता है, 6x प्लस 10y हो जाता है, ए कहाँ पहुँच जाता है,
6x प्लस 10y। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि पहले 6 और 10 को मिलाइए, एक कस्टमर के लिए 6 है ठीक है, और 10 कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे मिला दें ओके सॉरी थोड़ा सा, तो यानी कि 6 ले रहा है और 10 ले रहा है तो यहाँ पर पहुँच गए फ्रेंड्स ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा और फिर दूसरा क्या करेगा, b कितना लेगा, b का 4x प्लस 10y हो जाएगा, यानी कि ये b यहाँ आएगा और b का ये हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 और उसके सामने कितना जाएगा उसका 10y, हमने इसको 10 ले लिया। यानी कि कस्टमर यहाँ पे अब दोनों किस पॉइंट पे आ गए फ्रेंड्स, पहले इस पॉइंट पे थे, अब दोनों क्योंकि इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना है 20 का है, देखो 20 हुआ ना, 10 ये कंज्यूम कर रहा है तो 10 ये कंज्यूम कर रहा है ठीक ओके। यानी वाई की 10 क्वांटिटी ये परचेज कर रहा है और ठीक है ये कंज्यूम कर रहा है और 10 वो भी कंज्यूम कर रहा है, रेस्ट यानी कि 10 10 20 हो गया, रेस्ट कितना बचा 4, तो ये 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है एक्स की ठीक है, एक्स की 4 क्वांटिटी और 6s ठीक है, और इसकी कितना 10y क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। तो यानी कि आपका जो इक्विलिब्रियम हुआ फ्रेंड्स, अब क्या हुआ आप ये देखिए कि b कस्टमर का a कस्टमर कहाँ पहुँच गया, a का इंडिफरेंस कर फ्रेंड्स यहाँ पहुँच गया, आई सी ए का हो गया और दूसरे का कस्टमर का फ्रेंड्स आपका यहाँ आ गया। तो हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व, सॉरी इसको हम दूसरे क्लास में आते थे, इंडिफरेंस कर्व आई सी कर्व्स बी कस्टमर, तो बी इनिशियल यहाँ से यहाँ दोनों आ गए, इसे बोलते हैं ट्रेड ऑफ हुआ, क्या हुआ फ्रेंड्स ट्रेड हुआ आपस में, लेकिन दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या है सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों का इंडिफरेंस कर्व ये हायर आ गया। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बी क्या हुआ है ऊपर से नीचे आ गया, आप पढ़ते थे फ्रेंड्स जब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं दोनों को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, अभी क्या हुआ 8 6 2 4 ठीक है, तो 8 से 6 हो गया और एक कस्टमर का एक का क्या हुआ ठीक 8 8 था और 6 4 आ गया, तो क्या हुआ यानी कि नीचे की तरफ आ गया, पहले ये था अभी नीचे आ गया वर्सेस हो गया, और ये पहले नीचे था ये ऊपर की तरफ आ गया ठीक है। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि ट्रेड ऑफ होगा, तो एजवर्थ बॉक्स बन जाएगा फ्रेंड्स, एजवर्थ बॉक्स में ट्रेड ऑफ होता है। अब आपको बताता हूँ एजवर्थ बॉक्स बनता कैसे, मान के चलो फ्रेंड हम यही चीज़ यहाँ पढ़ाते हैं, हम लेते हैं ओ ए, अब समझा गया ओ ए, यहाँ पर ओ बी ले लिया ठीक है, ये वाई की तरफ जा रहा है, मान के चलो ये फ्रेंड्स आई सी ए का है और ऊपर जाएगा आई सी बी हो जाएगा इसका, और ऊपर जाएगा आई सी थ्री हो जाएगा, और आगे जाएगा आई सी फोर हो जाएगा, इंडिफरेंस का 4 हो गया ओके। और इसका मतलब होता है कि ये इसका लाइन हो गई ठीक है, हम इसको ऐसे चलो मिला देते हैं फ्रेंड मान के चलो ठीक। दूसरा क्या है, दूसरे कस्टमर का ये है फ्रेंड कि अगर वो पहले इसको 1 था फिर आई सी 2 हो गया, आई सी 3 हो गया, आई सी 4 हो गया, लेकिन इसका ये ए का है, बी का क्या हुआ ओके यानी कि बी आई सी 1 आई सी 2 आई सी 3 आई सी 4 यानी कि ये बी कस्टमर का बी की तरफ से देखेंगे तो दो इसका इंक्रीज हो रहा है और ए की तरफ देखेंगे तो इसका इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा इसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और जैसे जैसे ए ऊपर आएगा इसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि मान के चलो फ्रेंड हम एक पॉइंट लेते हैं ठीक है, और इस पॉइंट पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि मान के चलो ये दोनों की आइसो कॉस्ट लाइन है, क्या है आइसो कॉस्ट लाइन, तो इस पॉइंट पर दोनों इक्विलिब्रियम हुआ ठीक है। तो यानी कि इस लाइन पे क्या हुआ, दोनों कस्टमर का यानी कि ए और बी का एम आर एस इक्वल टू क्या हो गया, एम आर एस इक्वल टू ए और बी का दोनों क्या है
इक्वल है, यानी कि एक पॉइंट पर इक्वल है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सभी पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, ए बी सी डी, ये सारे पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं, ये सारे पॉइंट दिखाते हैं इकोनॉमिक इफिशंसी को, कोई भी पॉइंट। लेकिन ये होता है कि अगर एक को वर्सेस रहेगा, देखो हमने आपको शुरू में ये पढ़ाया था फ्रेंड कि पेरेटो ऑटोमेटिक क्या होता है कि किसी एक को बिना नुकसान के दूसरे को लाभ नहीं दे सकते, कहने का मतलब कि अगर एक को छोड़ना पड़ेगा तो तभी दूसरे को मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, ठीक है, ये एक्स गुड्स है ये वाई गुड्स है, तो अगर एक एक्स ज़्यादा लेना चाहता हो तो उसको वाई को छोड़ना पड़ेगा, वाई को लेना चाहता तो एक्स को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑप्टिमम रिसोर्स 10/20 का ही है, इसी में दोनों का एलोकेशन है, तो एलोकेशन इफिशंसी इसे बोलेंगे इफिशंसी, एलोकेशन इफिशंसी, और इस सेटिस्फेक्शन को बोलेंगे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो फ्रेंड हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जब हम इस ग्राफ को मिला देते हैं, मान चलो हमने एक डायग्राम बना दिया, हमने मिला दिया, ठीक है, और फिर हम इस पॉइंट पे चलेंगे कि मान चलो यहाँ रह जाता है, ठीक है, फिर और आगे चला जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ए का, अगर हम ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो क्या हो जाता है, ए का, तो ए का या और आगे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स दिखाएंगे फ्रेंड्स आपका, ये क्या दिखाएंगे, इकोनॉमिक इफिशंसी दिखाएंगे, फिर आपका ये हो जाएगा ग्राफ, फिर आपका ये हो जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली हमें ये दिखाना है कि एजवर्थ बॉक्स के थ्रू इकोनॉमिक इफिशंसी कैसे आती है, और इकोनॉमिक इफिशंसी में हमने यह दो ही चीज़ प्रूव करना है कि एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू एम आर एस बजट लाइन, तो हर एक पॉइंट पर बजट लाइन इक्वल हो रही है, यानी कि हर एक पॉइंट जो है ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन देता है। तो फ्रेंड ये था एजवर्थ बॉक्स, हमने सिर्फ अभी यहाँ पर टू कमोडिटी लिया एक्स वाई लेकर के, हमने प्रूव कर दिया लेबर कैपिटल को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एजवर्थ बॉक्स से शुरू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन की इफिशंसी कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, अगर आपको कोई क्वारी हो तो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।